आपको पहले हम दिखा दें, देखिए ये छिलके हैं, ये छिलका हमने इसमें ले रखा है। दोस्तों मेरे हाथ में आप देख रहे हैं एक जादुई फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर। अगर इसको पौधे पर हम यूज करते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। सबसे अच्छी बात है कि फ्री में बनता है, और ये जब इसका पोषक तत्व आपके पौधे में जाता है तो बहुत ढेर सारे आपको सब्जियां प्रोड्यूस देता है। ये मैं आपको बता दूँ कि इसका टक्कर मार्केट में कोई भी आप पिजियार या कोई भी टॉनिक लेके आते हैं वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन दोस्तों ये काम करता है। और है कहिए दोस्तों, ये चुकंदर के छिलके का हम लिक्विड फर्टिलाइजर बना रखे। बहुत ऐसे छिलके होते हैं जो आपके घरों में से निकलता है, लेकिन दोस्तों उसको वेस्ट के रूप में हम फेंकते हैं। थोड़ी सी दोस्तों अगर इसको आप समझना शुरू कर देंगे कि कौन से छिलके से कौन से पोषक तत्व मिलता है, कौन छिलके से क्या मिलता है, तो आप उसको हर स्टेज पे अपने पौधे को आप दे सकते हैं, चाहे शुरुआती स्टेज पे, उसके बाद फ्लावरिंग स्टेज पे, उसके बाद फ्रूटिंग स्टेज पे, अलग तरीके से आप दे सकते हैं। आपको मार्केट से कोई भी फर्टिलाइजर लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको पहले इसका रिजल्ट हम दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं। देखिए मैंने लगा रखा है नेनुआ, और देखिए इसमें हमने कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं किया, टोटली बस इसमें ऑर्गेनिक खाद का इसमें हम यूज कर रहे हैं। और देखिए इसका रिस्पांस, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके इसका रिस्पांस है। आप यहाँ भी देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से ये फलना है, ये शुरू हो गया है, बहुत तेज़ी से ये फल रहा है। और दोस्तों अगर दो से तीन पौधे केवल आप लगा देंगे, एक पौधे लगा देंगे तो ढेर सारे आपको सब्जियाँ मिलना शुरू हो जाएगा केवल इस फर्टिलाइजर से। तो आइए आपको बता दें कि इसमें कौन कौन जो फर्टिलाइजर आप यूज करते हैं उसको कैसे कैसे आपको यूज करना है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। दोस्तों अगर देख रहे हैं फेसबुक पेज तो फेसबुक पेज को भी फॉलो दें। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं जो अभी देख रहे हैं ये चुकंदर के छिलके, इसको कैसे बनाते हैं। आपको पहले हम दिखा दें, देखिए ये छिलके हैं, ये छिलका हमने इसमें ले रखा है। दोस्तों इसमें पोषक तत्वों की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए जिंक मिल जाएगा आपको, कैल्शियम मिल जाएगा, मैग्नीशियम मिल जाएगा, विटामिन ए मिल जाएगा, B6 मिल जाएगा, पोटेशियम मिल जाएगा, मैंगनीज, आयरन, फास्फोरस, सोडियम कार्बोनेट, बहुत ढेर सारे इसमें पोषक तत्व आपको मिल जाएंगे। कैसे बनाना है आप समझ जाइए। देखिए छिलके को लेना है, छिलके को लेने के बाद इसमें आपको डाल देना है 1 लीटर पानी में, कम से कम 4 से 5 चुकंदर के छिलके ले लीजिए, और लेने के बाद उसमें आप डाल दीजिए। डालने के 2 से 3 दिन तक रख दीजिए अच्छी तरीके से डीकम्पोज। जब ये हो जाए तो जो डीकम्पोज होने के बाद करना क्या है कि आप इसको इस तरीके से छान लेना है। देखिए इसे हम छान लेते हैं, और इसमें कैसे यूज करना है इसको देखिए। अगर ये लिक्विड फर्टिलाइजर ये समझिए कि 1 लीटर है, तो इसमें आपको 1 लीटर डालना है इसमें आपको पानी। ये आपको ध्यान दें, जितना आप लिक्विड फर्टिलाइजर आपके पास है उतना इसमें आपको फ्रेश पानी इसमें डाल लेना। देखिए हम डाल लेते हैं, और इसको हम पौधे पे यूज कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि कौन से पौधे पे इसको यूज करना है। दोस्तों इसको सभी पौधे पे यूज कर सकते हैं, जैसे जो इंडोर पौधे हैं, आउटडोर पौधे, क्योंकि इसमें पोषक तत्व ऐसे हैं जो आपके पौधे को शुरुआती स्टेज में भी ग्रोथ कराएगा, और उसके साथ साथ में यहाँ तक कि आपके पौधे को बहुत तेज़ी से जो फ्लावर और जो फ्रूटिंग का समय होता है, फ्लावर से जो फ्रूटिंग समय होता है, अब जिसे ये देख रहे हैं, अब जिसे ये देखिए फ्लावर है, फ्लावर जब तो जब फ्रूटिंग में कन्वर्ट होगा तो जितना जो समय लगता है अगर इस खाद को आप देते हैं तो वो बहुत तेज़ी से फास्ट वो कन्वर्ट कराता है। तो इसको दोस्तों हम सब्जी वाले पौधे, फूल वाले पौधे, फल वाले पौधे पे लगा सकते हैं। जो अगर 100 पीस भी अपने गमले में आप लगा रखें तो उसमें भी इसको हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आपको, तो आप अपने सामने ये देख रहे हैं, ये हमने डाल रखा है प्याज के छिलका। दोस्तों प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर तो आप जानते ही हैं कितना बेहतरीन आपके पौधे पे काम करता है। इसमें पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर से कहते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, दोस्तों प्रचुर मात्रा में इसमें पाया था। और इसको कैसे यूज करते हैं अभी आप जानते हैं। दोस्तों जानते हैं कि अगर 1 लीटर पानी, तो 1 लीटर पानी में इसमें कम से कम 4 से 5 मीडियम साइज के छिलके का प्याज के छिलके ले लीजिए, और लेने के बाद रख दीजिए उसको 2 दिन तक, उसको साइड एरिया में रख दीजिए, 2 दिन बाद उसको आप यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है, अगर 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर लिक्विड उसमें डाल दीजिए, मतलब 50-50 का रेशियो करके डालना है और उसको यूज कर लेना है। और सबसे अच्छी बात है कि जो मैंने अभी चुकंदर के छिलका को बताया था उसको, और ये जो प्याज छिलके, इसको दोस्तों दोनों को साथ में यूज कर सकते हैं आप, दोनों को साथ में यूज करेंगे। और लेकिन हाँ एक बात आपको ध्यान रहेगी, दोनों को साथ में तभी आप यूज करेंगे जब
आपका पौधा फ्रूटिंग स्टेज पे है। जैसे देखिए जो ये जो नैनो जो पौधा दिखा रहे थे ये फ्रूटिंग स्टेज में है, इसमें हम दोनों को यूज करेंगे। दोस्तों दोनों को यूज करेंगे तो होता क्या है कि एक तो पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर है और ये एक जो है जो पीजीआर काम करेगा, विटामिन के काम करेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के काम करेगा। दोनों दोस्तों जब कॉम्बिनेशन मिल जाएगा तो आपके पौधे को बिल्कुल ये सेफ रखेगा और अधिक मात्रा में आपको सब्जी भी ये प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद दोस्तों हम आपको बता दें, जैसे आप ये देख रहे हैं, देखिए हम एक बना रखे हैं एक किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइजर है। दोस्तों थोड़ी सी ये स्मेल करता है, आप जानते हैं, अब जानते तभी होंगे जब बनाते होंगे, तो अगर नहीं बनाते होंगे तो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्मेल आता है। लेकिन हाँ, जहाँ भी इसको रखना आपको अच्छे से इसको पैक करके थोड़ा ढक के इसको रखना है। तो सबसे पहले इसको कैसे बनाना है, बनाने के लिए हमको बता दें कि आप अपने घर में से जितने किचन वेस्ट निकलते हैं सबको इकट्ठा कर लीजिए, जितने छिलके हैं इकट्ठा करने के बाद अब करना क्या, कोई बर्तन लीजिए, बर्तन में डाल दीजिए और उसमें दो ऑप्शन आपके पास है, एक तो पानी और दूसरा वेस्ट डिकम्पोजर का पानी। जो दोनों में से आपके पास उपलब्ध हो तो आप डाल सकते हैं। अगर वेस्ट डिकम्पोजर पानी है तो वेस्ट डिकम्पोजर को पानी डाल दीजिए, नहीं तो सादा पानी इसमें डाल दीजिए। कितना डालना है, अगर बाय द वे मान लीजिए कि डालते हैं 5 लीटर पानी, तो 5 लीटर में कम से कम 2 से 2.5 केजी करीब करीब ये छिलके आपके पास उपलब्ध होगी। आपको हम दिखा दें, देखिए इस तरीके से आलू का छिलका है, ये मौसमी की छिलका है, इसमें केले के छिलका है, इसमें उसके बाद तरबूज का, ककड़ी का, खीरा का, इसमें तमाम तरीके से इसमें छिलके हैं। और इसको दोस्तों करना क्या, ढक के आपको कम से कम 4 दिन 5 दिन तक इसको रख देना है। 2 दिन भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बस एक चीज़ आपको हम बताना भूल गए कि अगर इसको आप रखते हैं तो अगर पानी इसमें डालते हैं तो उसमें आपको 100 ग्राम गुड़ भी डालना है। वेस्ट डिकम्पोजर का पानी डालते हैं तो उसमें गुड़ आपको नहीं डालना है। उसके बाद इसको आप लाइए और लाने के बाद इसको छान लीजिए। दोस्तों छानने के बाद इसको यूज करिए, इसको किसी भी पौधे पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें मल्टीपल आपको विटामिन ये मिल जाएंगे। हाँ, कैसे यूज करना है इसको तो आप नोट कर लीजिए। देखिए इसको यूज करने के लिए दोस्तों एक काम ये करना है कि अगर आपके पास 1 लीटर लिक्विड फर्टिलाइजर हो जाए, ये देखिए थोड़ी दोस्तों स्मेल आएगी क्योंकि स्मेल इसकी बहुत ख़राब होती है, लेकिन आप परेशान नहीं होगा स्मेल से। देखिए हमने ले रखा है 5 लीटर पानी, देख लीजिए, और ये 1 लीटर है, इसमें हम डाल दिए, मीन्स 1 लीटर ये लिक्विड फर्टिलाइजर और 5 लीटर पानी, इसको हम यूज करेंगे और इसका रिस्पॉन्स देखेंगे आपके सामने तुरंत मिल जाएगा। मैंने आपको 3 बताया फर्टिलाइजर, चुकंदर का छिलके का फर्टिलाइजर, प्याज छिलके फर्टिलाइजर और किचन वेस्ट का फर्टिलाइजर। दोस्तों आप इसको तीनों का हर 15-15 दिन पे अपने पौधे पे यूज करिए, उसके बाद रिस्पॉन्स आपके सामने खुद देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस तरीके से इसको भी आप अपने घर पे बनाइए और बनाने के बाद अपने गार्डन में जितने पौधे लगा रखे हैं सभी पौधे पे यूज करिए। ये फ्री का फर्टिलाइजर है, लेकिन इसको अगर इसको यूज करेंगे तो रिस्पॉन्स बहुत ही बेहतरीन मिलता है। इसको हर 15 दिन पे 10 दिन पे लगातार यूज करते रहिए, आपके घर में ढेर सारे सब्जियाँ मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपनी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करते, देख रहे हैं फेसबुक पेज तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो अपने टॉपिक के साथ, धन्यवाद।